की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल से हर दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आती ही रहती है। वही फैंस की एक्साइटमेंट भी फिल्म को लेकर हर दिन बढ़ती ही जा रही है। फिल्म के टीजर में पुष्पा का खतरनाक एक्शन लुक देखने के बाद हर कोई पुष्पा द रूल की जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग कर रहा है। वही अब फिल्म के गानों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, मेकर्स ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की थी कि फिल्म के आइटम सॉन्ग में हमें अल्लू अर्जुन के साथ दिशा पाटनी नजर आएंगी। वही अब खबरें आ रही है कि फिल्म में डांसिंग क्वीन नोरा फतेही की भी एंट्री हो चुकी है और ये दोनों ही एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आने वाली है। अब देखना तो ये होगा कि ये दोनों एक्ट्रेस एक ही गाने में एक साथ नजर आती है या फिर इनका अलग अलग सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। बात करें पुष्पा द रूल की तो मेकर्स ने इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाले हैं और फिल्म के एक्शन सीन्स को जी जान से शूट कर रहे हैं, जिसकी एक झलक तो आप सभी फिल्म के टीजर में देख ही चुके हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन का वो जंगल में शेर वाला लुक और काली माँ का लुक जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया है। इन दोनों ही लुक्स में अल्लू अर्जुन का खतरनाक लुक देखने को मिल रहा है। वही बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना वही अपने शिवल्ली के किरदार में नजर आने वाली है। साथ ही इस बार फिल्म में विजय सेतुपति की भी एंट्री हो चुकी है जो कि फिल्म में विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। और इनके अलावा फहाद फासिल, साई पल्लवी, प्रकाश राज और जगपति बाबू भी फिल्म में नजर आएंगे। इसी के साथ खबरें आ रही है कि फिल्म में हमें खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का भी एक स्पेशल कैमियो देखने को मिलने वाला है। बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो फिल्म का शूट अभी जारी है और फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार जी इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि इसी साल 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी अल्लू अर्जुन के साथ दिशा पाटनी और नोरा फतेही को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।